Ali! 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 De capo! Ali! Ali! Hakem ve fedais! Ali! बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारा जो पोएन का पब्लिक है बहुत बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगा कि इतना हम लोग को सपोर्ट मिला क्या कि मेरा जब फाइट हो गया था क्या कि मेरा फाइट भी बहुत मतलब प्रो लेवल में था लेकिन इतना सपोर्ट नहीं मिला था और मैं भी मतलब बहुत अली को भी बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे को ऐसा टाइम दिया एमएमए लद्दाख को इतना टाइम ऐसा टाइम दिया कि हम लोग आगे बढ़े और बच्चे लोग को सिखाए और बच्चे लोग को ऐसा गोल्ड मेडल दिला दे और आगा अब्बास जो उधर आ गया था हम लोग मीटिंग किया था जो उधर दो ऑफिस था जो उन लोग स्पॉन्सर करता था मुंबई में तो उन लोग बोला है कि अगर तुम लोग करगिल में लद्दाख में अगर तुम लोग मैच चलाने वाला है बाकी सपोर्ट हम लोग करेंगे प्लेयर हम लोग लाएंगे बाकी हम लोग मीटिंग कर दिया है और एमएमए एफआई का जो प्रेसिडेंट है एमएमए एफआई का जो फेडरेशन है उनका हेड उन्होंने भी बोल लिया है कि हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट और लद्दाख के लिए हम लोग 100% आके फाइट लड़ा देंगे और उसमें फाइट करवा देंगे इवेंट रखेंगे क्या है कि 18 स्टेट या 19 स्टेट इधर आके हम लोग को फाइट दिखाना है और बाकी तो सबको मतलब मेरे को तो इतना पब्लिक देख के बहुत शौक हो गया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मैं अली मुर्तजा अली खुद्दाम जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया ये मैं बहसियत काउंसलर मेरे लिए ये फ़ख्र की बात नहीं है तो पूरा लद्दाख के लिए फ़ख्र की बात है आज हमारे एलजी साहब ने भी ट्वीट किया है कि ये इस तरह गोल्ड मेडल जीते इसके लिए मुबारकबाद पेश किया है हमारे कारगिल के सीसी साहब फिरोज़ अहमद ख़ान साहब ने भी और हमारे काउंसिल की तमाम टीम ने जो जिसमें हर कोई है हर पार्टी से ताल्लुक़ रखते उन सबों ने मुबारकबाद पेश किए हैं और हमारे वतन हमारे जो पुराने लीडर्स हैं उन्होंने भी मुबारकबाद पेश किया है इसलिए कि क्योंकि ये पूरा लद्दाख को एक पहचान दिया है कि और इस मौके पे मैं हमारे कोच मेहदी नासरी साहब हसनैन शरा अकबर छोसा और अली खुद्दाम जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया सबों को मुबारकबाद पेश करता हूं और इन्हों के लिए जो हमसे मतलब एमएमए के लिए जो चीज़ दरकार है मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए इनको जो भी सपोर्ट हमसे हो सके हम इनकी मदद करने के लिए तैयार है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो या और भी कोई चीज़ें हो जो इन लोगों को ज़रूरत हो उनके लिए भरपूर मदद करने की हम कोशिश करेंगे और मैं सबसे पहले मैं इसके लिए एलजी साहब का और हमारे सीसी साहब और डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमारे पोएन वालों को तो फ़ख्र तो ऑलरेडी है ही है और डिस्ट्रिक्ट करगिल के लिए फ़ख्र है और लद्दाख के लिए फ़ख्र है तो मैं सीसी साहब डीसी साहब और एलजी साहब का बहुत मशहूर मानूँ उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने ट्वीट करके और आने वाले वक्त में वो लोग इन लोगों के लिए ऐसे फेडरेशन के लिए फंड्स हो या जो भी इनको चाहे वो इंशाल्लाह मुहैया करेंगे हमारे लिए तो एक प्राउड मोमेंट ही है हमारे गांव के लिए आपने खुद देखा कि इनका रिसेप्शन इतना अच्छा हुआ और बहुत सही हुआ तो मैं सीसी साहब डीसी साहब और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले इस फेडरेशन के एमएमए के लिए और सबसे पहले इसमें एक बात मैं भूल गया
हमारे कोच नासरी साहब जो कि एमएमए का प्रेसिडेंट भी है, मुर्तजा अली खुद्दाम साहब जिसने आज गोल्ड मेडल मुंबई में जीत के आया है, और उसके साथ अकबर और हमारे हसनैन शरा का भी उन्होंने बहुत किया, मैं उनका बहुत मशकूर ममनून हूँ। और हमारे पॉइंट के पूरा इलाके का मैं की तरफ से तमाम जहाँ रिसेप्शन जिन्होंने हमें रिसेप्ट किया इन बच्चों का हौसला अफजाई के बहुत मशकूर ममनून हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बशारत साहब, तो जैसे कि आपको पता है हमारा कोच मेहदी नासरी, उन पर हमें पूरा भरोसा था और पूरे इंडिया में वेल रिनोन एक एमएमए फाइटर रहे हैं, तो इन पे हमें काफ़ी भरोसा था, लेकिन हमारे बच्चों पे इतना भरोसा नहीं था क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं लिया था। तो मुर्तजा अली जो कि मेरे भाई का लड़का है, और हसनैन, अकबर और इनके जितने दूसरे जो प्लेयर्स थे, उन पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि ये ट्रेन प्लेयर थे नहीं। लेकिन जब वहाँ जाके हमने इनका फाइट देखा, हसनैन का, अकबर का, फिर अली ने तो गोल्ड मेडल जीता, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, अली के लिए मुझे ज़्यादा तशवीश इसलिए था क्योंकि 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ है और ये कंपाउंड, इसका जो शिन है बिल्कुल कंपाउंड तरीके से टूट गया था, तो अभी भी वहाँ उसका रिंग क्या बोलते हैं रॉड पड़ा हुआ है। पिछले साल हम गए थे निकालने के लिए, वो निकाल नहीं पाए थे। तो जितने भी हमारे फैंस थे जो अली को जानते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे गाँव वाले सब इसी बात से थोड़ा फिक्रमंद थे कि तशवीश कर रहे थे कहीं फाइट के वक्त उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे गाँव वालों की दुआओं की बरकत और डिस्ट्रिक्ट पूरे करगिल और पूरे लद्दाख के जो वेल विशेस थे वो हमारे साथ थे। खासकर ये एक बहुत ही बेहतरीन फाइट उसने किया और पहले ही राउंड में एक मंझे हुए खिलाड़ी को, जैसे कि आपने देखा, उसको हराया। और ये मैं कहूँगा नासिर मेहदी के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि इनको सपोर्ट करने का हमें, क्योंकि इन्होंने पहली बार वहाँ मुंबई जाके, ख़र्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इन्होंने ख़र्चा करके अपने जेब से, कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, सीसी साहब ने थोड़ा भरोसा दिया था, तो इंशाल्लाह आगे जाके एलजी साहब, सीसी साहब इनकी मदद करें। खासकर सीसी साहब से सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर अपने डीसी साहब के, एग्जीक्यूटिव पावर तो उनके पास है, तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके लिए एक जगह फराहम किया जाए, जैसे कि हमारे यहाँ कौंसलर साहब अमीन साहब ने कहा वहाँ प्लेटू पर जगह खाली होने वाला है, या मैं अपने गाँव के जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, हमारे यहाँ भी जहाँ प्ले ग्राउंड बनाए अमीन साहब ने हमारे गाँव के लोगों के लिए, तो वहाँ भी जगह पड़ा हुआ है, वहाँ एक छोटा सा प्लॉट इनको दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा नासिर साहब जो एमएमए लद्दाख का प्रेसिडेंट है, इनकी हौसला अफजाई जितनी हो सके हमें करना चाहिए। तो तहे दिल से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरे गाँव को भी। पहली बात ये एसोसिएशन बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी। मतलब जितने जवान बच्चे आ रहे हैं, फकत इंजीनियर या डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, जो अपने अपने प्रोफेशन में व्यस्त करते जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मिसाल इन्होंने पेश किया है। बेशक गात चीज़ें हों, चाहे आर्चरी हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे मार्शल आर्ट्स के दूसरे एस्पेक्ट्स हो, उनमें अगर अपना टैलेंट दिखाते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये कौम और ये गांव एक मिसाली आज की तरह, इवन एलजी साहब ने भी उसमें पोस्ट किया था, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और सब अल्हम्दुलिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सरदार कौंसलर साहब, वार्ड मेंबर शबीर हुसैन खाचे साहब, और साथ ही साथ एमएमए के कोच मेहदी नासरी, बाकी इनके प्लेयर्स अली खुद्दाम, हसनैन और अली अकबर, सबको दिल की अमित गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब हमने इनका मैच जीतने के बाद इनकी हिस्ट्री हमने जब जाना, लोगों से पूछा, तो कहा कि इन्होंने सिर्फ 7 दिन या 10 दिन कहीं कोचिंग लिया है। यह एक बहुत बड़ी टैलेंट है कि 7 दिन के कोचिंग में यहाँ से ऑटो लेके मुंबई जाना और इतनी लंबी सफ़र एक छोटे से गाड़ी में करना। शुरुआत में इनको सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन बाद में सपोर्ट मिला, इसके लिए भी इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इन्होंने जो पहचान अपनी एसोसिएशन की बनाई, खासकर गाँव का जो इन्होंने पहचान बनाई, ये एक बहुत बड़ी फख्र की बात है। साथ ही साथ मैं मेहदी नासरी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब 2 साल पहले आपने मैच खेला था, लेकिन आपका राबिता था, ये एक बहुत बड़ी मुबारकबाद की बात है, क्योंकि मेहदी नासरी वो चैनल है जिसकी वजह से एमएमए तक हम पहुंच सके, जिसकी वजह से आज ये हम जीत सके। ये सिर्फ गांव के लिए नहीं बल्कि खत्ते लद्दाख के लिए, अभी लद्दाख यूटी के लिए एक पहचान बन चुका है। आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ मेहदी नासरी के ऊपर जिन 3 प्लेयर ने भरोसा किया और रिटर्न में जो इन्होंने लिखा कि अगर हमें कोई फिजिकली कोई हमें कोई परेशानी होते हैं, तो इन्होंने रिटर्न लिख के दिया
इनके घर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि हमारे घर वालों में वो हौसला नहीं है कि अपने बच्चे को इस ऐसी रिस्क में गेम में वो अंडरटेकिंग पे साइन करके दे दे। तो मैं सबसे पहले अली खुदाम के फादर और हसनैन और इनके अकबर अली के खानदान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे के टैलेंट्स को अपना कमजोरी नहीं बल्कि अपना एक हिम्मत समझ बना कि इन्होंने अपने बेटे को उस बॉक्सिंग ग्राउंड तक भेजा। ये एक बहुत बड़ी मुबारकबाद है और साथ ही साथ उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ये खेलेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से इनका हौसला अफजाई करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। مہدی ناصری حسنین شرا اکبر چھوسا متی وارڈ ممبر شبیر صاحب دونا گاؤں شرباد تمام جوان کون السلام علیکم وعلیکم السلام پوائنٹ پانلا انچا دو پورا نتی